हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। प्रो कबड्डी सीजन 9 का ऑक्शन हमें देखने को मिला था 5 और 6 अगस्त के बीच में। वहां पे सभी टीम्स ने अपने स्क्वाड्स को सेट कर लिया, अपने स्क्वाड्स को परचेज कर लिया, जो भी इनके पास पर्स थी उस सभी को यूज करके अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को स्क्वाड्स में ऐड कर लिया। तो मैंने आप सभी व्यूअर्स को एक बात बोली थी कि मैं एक प्रॉपर प्ले लिस्ट लाने वाला हूँ सभी टीम्स के ऊपर कि उनके स्क्वाड्स क्या रहने वाले हैं आफ्टर ऑक्शन, ऑक्शन के बाद किस किस टीम ने यहाँ पे कितने बड़े प्लेयर्स को खरीदा है। तो कैटेगरी वाइज इस लिस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया। ऑलरेडी मैंने 6 टीम्स के यहाँ पे स्क्वाड्स को अनाउंस कर दिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी शो कर रही होंगे, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आप सच में बेंगलोर ब्लू टीम के बड़े फैन हैं तो एक वीडियो लाइक बनता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना हमारे नए आने वाले वीडियोज के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली 6 टीम्स के बताए हैं। तो सातवें पायदान पर मैंने रखा था यहाँ पे बेंगलोर ब्लू टीम को कि इनका फुल एंड फाइनल स्क्वाड क्या रहने वाला है पीकेएल सीजन 9 के लिए। सबसे पहले अगर हम रेडर कैटेगरी की बात करेंगे, सबसे पहले तो बड़ा नाम यहाँ पे रेडर कैटेगरी में नजर आ सकता है विकास कंडोला। दूसरे जो भारत हुड्डा है, इनको रिटेन किया था टीम ने यहाँ पे, जीबी मोरे को भी रिटेन किया था, लाल मोहर यादव, हरमजीत सिंह, नजर थारू एंड सातवें पायदान पे रखा गया यहाँ पे नीरज नरवाल को। बहुत ही बड़े रेडर 2 इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, सबसे पहले विकास कंडोला और नीरज नरवाल। भारत हुड्डा इनके साथ स्पोर्टिव रेडर काम आ सकते हैं। इन दोनों को यहाँ पे परचेज कर लिया गया था सीजन 9 में। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन दो रेडर्स के साथ कोच के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन रहना था, क्योंकि पहले पवन थे, अब विकास आ गए, नीरज आ गए, तो बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली पीकल सीजन 9 के लिए बेंगलुरु बुल्स टीम की। तो डिफेंडर कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो डिफेंडर कैटेगरी में सबसे पहले 2 कॉर्नर्स यहां पे महेंद्र सिंह एंड दूसरे जो अमन है रजनीश, रोहित कुमार, सौरभ नंदल को भी यहाँ पे टीम ने रिटेन किया था। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, बहुत ज़्यादा इन डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा खेला था पीएल सीजन 8। तो विनोद नायक, यश हुड्डा, शुभम कदम एंड मयूर कदम जैसे प्लेयर्स हमें पीकेएल सीजन 9 में डिफेंडर कैटेगरी में नजर आ सकते हैं बेंगलुरु ब्लूज टीम के। तो ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करेंगे तो ऑलराउंडर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे टीम ने बस 2 ही ऑलराउंडर्स को परचेज किया था पीकेएल सीजन 9 के ऑक्शन में। सबसे पहला जो नाम यहाँ पे निकल कर आ रहा है सचिन नरवाल, दूसरा जो नाम यहाँ पे निकल कर आ रहा है राहुल खतिक जैसे प्लेयर्स हमें पीकेएल सीजन 9 में ऑलराउंडर कैटेगरी में पीकेएल सीजन 9 में बेंगलुरु ब्लू टीम के साथ नजर आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी वीकनेस इस टीम की बस यही है कि ऑलराउंडर कैटेगरी में बस 2 ही नाम यहां पे निकल कर आ रहे हैं। कम से कम यहां पे एक टीम को 4 ऑलराउंडर्स परचेज करने थे, उससे टीम की बहुत ज्यादा मजबूती बनती है, क्योंकि रेडर्स को भी एक सपोर्ट मिलता है ऑलराउंडर प्लेयर के साथ। तो दोस्तों, फिलहाल हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।